कार्डिफ में इस वक्त 40वां ओवर चल रहा है। 4 विकेट श्रीलंका के गिर गए हैं। भारतीय गेंदबाजों का कैसा प्रदर्शन अब तक रहा है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने आज पहली सफलता हासिल की, पहला झटका श्रीलंकाई टीम को दिया। 9 ओवर की गेंदबाजी की, 18 रन दिए अपनी 9 ओवर की इस गेंदबाजी में। इसके बाद उमेश यादव का प्रदर्शन आप देख रहे हैं, 8 ओवर गेंदबाजी की, 30 रन दिए, कोई सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन विल्सन रिटायर्ड हर्ट होकर वापस पवेलियन जरूर गए उनकी गेंदबाजी के दौरान। ईशांत शर्मा का प्रदर्शन आज शानदार रहा है, 6 ओवर गेंदबाजी की, 18 रन दिए 3.0 के इकोनॉमी रेट से, और 2 अहम विकेट ईशांत शर्मा की झोली में गिरे जिसमें संगकारा का विकेट भी था। आर अश्विन की गेंदबाजी आप देख रहे हैं, 7 ओवर गेंदबाजी की, 28 रन दिए, 1 विकेट मिला आर अश्विन को। रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर की गेंदबाजी की, 33 रन दिए, 1 विकेट रविंद्र जडेजा को भी आज मिला। और इस बीच खबर यह मिल रही है कि 5वां विकेट भी इस वक्त श्रीलंका का गिर गया है, 5वां झटका श्रीलंका को मिला है। मैथ्यूज वापस पवेलियन पहुंच गए हैं और आर अश्विन को यह सफलता हाथ लगी है, तो 5वां झटका अब श्रीलंका को लग गया है।